आज अपन WH वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, अपन जिनको इंट्रोगेटर वर्ड ही बोलते हैं, जिन क्वेश्चन के बारे में हम उनको इंट्रोगेटर शब्द कहा जाता है। जिस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको इंट्रोगेटर वर्ड कहते हैं, WH वर्ड कहा जाता है। चलिए अपन पढ़ते हैं। व्हाट, सबसे पहले शब्द है अपने पास व्हाट। व्हाट व्हाट मतलब क्या, मतलब होता है क्या। क्या, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन यानी सूचना पूछने के लिए। ये कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूचना पूछने के लिए। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाक पर, क्या इस्तेमाल रहेगा। ये देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आपका नाम, जानकारी पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं, सूचना पूछ रहे हैं, जानकारी पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या समझ में आ रहा हो कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, जानकारी। व्हेन, अगला शब्द है अपने पास व्हेन। व्हेन का मतलब होगा कब या जब, या जब। इसका समय के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, समय के बारे में पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए पूछना है, जब व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए। देखिए व्हेन मतलब कब है, आस्क अबाउट टाइम समय के बारे में पूछने के लिए। पहले कब के बारे में देखेंगे, कब के बारे में। When did he leave? वह कब गया। When did he leave? वह कब गया। Leave. When will we go? हम कब जाएंगे। When will we go? हम कब जाएंगे। When will we go? हम कब जाएंगे। When can we eat? खा सकते हैं। When can we eat? हम कब खा सकते हैं। When will they go? वे कब जाएंगे। When will they go? वे कब जाएंगे। When can I call you? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। When can I call you? When यानी जब। अब अपन कब देखेंगे, when जब जब के ऊपर होता है। I can go only after when he comes, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। I can go only after when he comes. Go when you want, जब चाहो जाओ। Go when you want, जब चाहो जाओ। Let me know when he comes, let me know when he comes, जब वो आए मुझे बताना। When he comes, जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes, जब वो आए मुझे बताना। I will go when he comes, जब वो आए तब मैं जाऊँगा। I will go when he comes, जब वो आए तब मैं जाऊँगा। Where, अब अपन पढ़ेंगे वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। अब अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब हो कहाँ, इसका मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए इसका उपयोग करता है। आस्क अबाउट द प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। लिव, वेयर आर यू यंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। Where have you been? आप कहाँ थे। Where have you been? आप कहाँ थे। Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where can we go? हम कहाँ जा सकते हैं। Can we go? हम कहाँ जा सकते हैं। Can we go? हम कहाँ। अगला वाक्य है why। Why मतलब क्यों, 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 क्यों। Ask about reason,
कारण पूछने के लिए वाई का उपयोग किया जाता है, कारण पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वेन इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अगर होता वाई इज सी क्राइंग तो वह क्यों रो रही है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही सी, वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों है, हैप्पी तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू डूइंग दिस आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस आप, व्हाट डू यू लाई आप झूठ क्यों बोलते हैं, व्हाट डू यू लाई आप झूठ क्यों बोलते हैं, व्हाट डू यू लाई, व्हाई आर यू सेइंग दिस तुम ये क्यों कह रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग दिस तुम ये क्यों कह रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग दिस तुम ये। अब नेक्स्ट हुज, हुज हुज का मतलब किसका है, जिसका, किसका है जिसका, ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए होता है। इस इट आस्क अबाउट द पोजिशन, मालिकाना हक के बारे में पूछने को होता है। अब देखिए हुज मतलब किसका या किसकी, किसकी के ऊपर, ये मालिकाना हक के बारे में। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस यह किसका है, हुज इज दिस, दिस यह किसका है, दिस, हुज कार इज दैट यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट यह किसकी कार है, दैट, हुज फ्रेंड इज सी, हुज फ्रेंड इज ही वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज सी वह किसका दोस्त है, हुज पेंसिल इज दिस यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, हुज हुज जिसका है, जिसके, यस जिसके के रूप में इस्तेमाल होगा। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस एक्टर। वी, अब अगला शब्द है विच, विच डब्ल्यू एच आई सी एच, विच, विच मतलब होता है कौन सा, पसंद के बारे में पूछने के लिए ये होता है, पसंद के बारे में, ये चॉइस पूछता है, पसंद के बारे में पूछता है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग आपका बैग कौन सा है, विच वन विल यू प्रेफर आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर आप कौन सा पसंद करेंगे, विल यू प्रेफर, विच इज बेटर कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, विच वन इज अवर कार हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज अवर कार हमारी गाड़ी कौन सी है, इज अवर कार, विच कलर डू यू वॉन्ट आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। अब नेक्स्ट वाक्य है हु माने डब्ल्यू एच ओ, हु माने होता कौन या किसने, लोगों के बारे में पूछने के लिए और किसने के रूप में, लोगों के बारे में पूछने के लिए। आस्क अबाउट पीपल, पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका, हुज इज देयर कौन है वहाँ, हुज इज देयर कौन है वहाँ, हुज इज देयर, हु आर यू तुम कौन हो, हु आर यू तुम कौन हो, हु आर यू तुम कौन हो, हुज इज सी हु इज ही वह कौन है, हु इज ही वह कौन है, हु इज ही डू यू नो हु इज ही, Do you know who is he? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? Do you know who is he? क्या आप जानते हो कि कौन है?
वो टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको एक कहानी किसने सुनाई? वो टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको एक कहानी किसने सुनाई? वो टोल्ड यू दिस स्टोरी, वूम अगला वाक्य है, वूम ओ हूम हूम, किसको या किसे या जिसे, जिसे आ पूछने के लिए शब्द किया जाता है। Whom did you see? आपने इस किसे देखा? Whom did you see? आपने किसे देखा? आपने किसे देखा? See. Whom did you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to see? आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet? With whom did you go? आप किसके साथ गए? With whom did you go? आप किसके साथ गए थे? With whom did you go? Whom will you send? आप किसे भेजोगे? Whom will you send? आप किसे भेजोगे? Whom will you send? आप Whom are you talking to? तुम किससे बात कर रहे हो? या Whom are you talking to? या आप किससे बात कर रहे हो? Whom are you talking to? अब नेक्स्ट वाक्य है Whom. Whom अब देखेंगे Whom का इस्तेमाल। The person whom you saw is my friend. The person whom you saw is my friend. वह व्यक्ति जिसे आपने देखा वह मेरा दोस्त है। आपने देखा वह मेरा फ्रेंड है। The person whom you saw is my friend. अब अपन नेक्स्ट देख देंगे how. How मतलब कैसे या कैसा। HOW अब अपन देखेंगे how. कैसे या कैसा। Ask about process manner यानी प्रक्रिया तरीकों के बारे में पूछने के लिए, मैनर या प्रोसेस के बारे में पूछने के लिए। अब देखिए तरीके पूछने के बारे में। हाउ आर यू आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आर यू आप कैसे हैं? हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे आपका दिन कैसा बीता? हाउ वाज योर डे आपका दिन कैसा बीता? हाउ वाज योर एग्जाम आपकी एग्जाम कैसी थी? हाउ वाज योर एग्जाम आपकी एग्जाम कैसी थी? आपकी परीक्षा कैसी थी? हाउ वाज इट यह कैसा था? हाउ वाज इट यह कैसा था? हाउ कैन आई हेल्प यू मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगला शब्द है वॉट एवर। वॉट वॉट के साथ एवर लग गया, मतलब इसका क्या बन गया? जो कुछ भी और जो भी हो, मतलब है इसका वॉट एवर। जो डू वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो कुछ भी चाहें वो करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो कुछ भी खाएं। ईट आउट वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो कुछ भी खाएं। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो जो कुछ भी है आप जानना चाहते हैं पूछें। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो चाहें आप पूछें। आई विल डू वॉट एवर यू से जो भी चूज करें मैं करूँगा। आई विल डू वॉट एवर यू से आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा। वॉट एवर हैपन्स हैपन फॉर गॉड जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन फॉर गॉड। अब अगला शब्द है विच एवर। अगला शब्द है विच एवर। एवर विच के साथ लग गया एवर बन गया जो भी कोई सा भी कोई भी। चूज वॉट एवर ड्रेस यू लाइक जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। टेक विच एवर बैग योर डे जो भी बैग है ले लो तुम्हारा है। बैग है ले लो। टेक विच एवर बैग योर पेन जो भी बैग है ले लो। टेक बैग यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट आप जो भी खाएं खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक आपको जो भी व्यंजन पसंद हो आप उसे पका सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कम्प्लीटेड जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है
पूरा करें। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीट इट, अगला शब्द है वेन एवर, एवर यानी वेन के साथ लग गया एवर बन गया, जब कभी, जब भी या जब कभी भी। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब भी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, जब कभी चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट, जब कभी आपको ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट, अगला शब्द है वेयर एवर, वेयर के साथ एवर लग गया। वेयर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ भी कहीं भी। इस्तेमाल देखिए, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहाँ चाहो जाओ। गो वेयर यू वॉन्ट टू, सिट वेयर यू लाइक, आप जहाँ चाहें बैठें। सिट वेयर यू लाइक, आप जहाँ चाहें बैठें। आई विल गो वेयर यू वॉन्ट टू मी, आप जहाँ भी चाहते हैं मैं जाऊँगा। आई विल गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू गो टू विल यू फाइंड द सेम काइंड ऑफ पीपल, अब जहाँ भी जाएंगे आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे। वेयर आर यू, यू आर यू विल फाइंड द सेम काइंड पीपल, आप जहाँ भी जाएंगे। अगला शब्द है हाउ एवर, हाउ के साथ एवर लग गया। हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी, फिर भी। हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है। हाउ, हालांकि मुझे पता है, फिर भी मुझे पता है। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर ही ट्राइड, हाउ एवर ही ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश की। हाउ एवर ही ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश की। हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि वेतन अच्छा था। हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि वेतन अच्छा था, हालांकि वेतन अच्छा था। हाउ एवर द सैलरी वॉज, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। हाउ एवर नो वन वॉन्टेड टू लिसन टू हिम सिंग, लेकिन कोई भी उसे गाना नहीं सुनना चाहता। हाउ एवर नो वन वॉन्टेड टू लिसन टू मी हिम सिंग, लेकिन उसे कोई भी गाना नहीं सुनना चाहता था। बड़े याद है वो एवर, वो एवर, हु के साथ एवर लग गया। कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। वो एवर कैन कम प्लीज़ कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। वो एवर कैन कम प्लीज़ कम। वो एवर यू आर, आप जो भी कोई भी हैं, आप जो कोई भी हैं, आप जो कोई भी हैं। वो एवर वांट दिस कैन कम, जो कोई भी आ सकता है, आ सकता है, जो कोई भी आ सकता है, जो कोई भी इसे चाहता। वो एवर ना अबाउट इट इज कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। वो एवर नो अबाउट किच कॉन्ट कॉल। वो एवर वॉन्ट कैन गो देयर, जो कोई भी चाहे वहाँ आ जा सकता है। वो एवर वॉन्ट टू गेम, जो अगला शब्द है वॉम वेयर, जिसे, जिस किसी, जिसे भी, जिसे, जिस किसी, जिसे भी। यू कैन इन्वाइट वॉम एवर यू लाइक, आप जिसे चाहें आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट वॉम एवर यू लाइक। कॉल वॉम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहें कॉल करें। कॉल वॉम एवर यू वॉन्ट कॉल, कॉल वॉम एवर यू कॉल यू कैन नॉल। वॉम एवर यू, जिसे भी आप जान से बुला सकते हैं। वॉम एवर यू वॉन्ट नो यू कैन कॉल। वॉट, वॉट एवर, वॉट सो, वॉट सो एवर, जो भी या किसी भी। वॉट सो एवर हैपेंस, चाहे जो भी हो जाए। वॉट सो हैपेंस, जो भी हो जाए। आई एम विथ यू वॉट सो एवर यू विल डू, मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी तुम करोगे। आई एम विथ यू वॉट एवर सो यू विल डू, अगला शब्द है वूज एवर, वू सो एवर, जो कोई भी।
हुसोएवर जो कोई भी, हुसोएवर वांट टू गो कैन गो, जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है, जो हुसोएवर वांट टू गो कैन गो, हुसोएवर नाउ टेल मी, हुसोएवर जो कोई भी जानता हूँ मुझे बताओ, हुसोएवर नॉट टेल मी। अब अगला है हुमसोएवर, हुमसोएवर जिस किसी, जिस किसी यानी जिस किसी, कॉल हुमसोएवर यू नो, जिस किसी को भी तुम जानते हो बुलाओ,